हो, कैसे हो आप सब? ठीक, मजे में, स्वस्थ होगे, है ना? खुश रहो। आज हमारा विषय है गुजराती। आज हम कक्षा 2 में विषय गुजराती की पढ़ाई करेंगे। तो इसके पहले हमने को, का, की ये सब पढ़ लिया ना, उसके शब्द पढ़े हैं, उसकी बॉक्स पूर्ण की है ना, वाक्य देख देख कर लिखे हैं, पढ़े हैं, है ना? तो आज हम पेज नंबर 2020 पर पढ़ाई करेंगे, ठीक है? तो आज हम ई ओ की मात्रा के ऊपर हम आज गुजराती में पढ़ाई करने वाले हैं, ठीक है? तो देखो यहाँ पर ये जो होता है ये गुजराती का ओ है, ठीक है? ये क्या है? गुजराती का ओ है, ठीक है? तो गुजराती का ओ, तो जैसे हम ओ की मात्रा पढ़ते हैं ना, तो क्या कहते हैं हम हिंदी में? कू, है ना? तो हम आज गुजराती में भी वही पढ़ेंगे, ठीक है? तो जो छोकराओ, आज आपणे गुजराती विषय में ઉતિગનું વાંચન કરવાનું છે, શબ્દ લખવાના છે, બોક્સ પૂર્ણ કરવાના છે। ચલો તો આપણે વાંચીએ। ચલો, કૂ, ખુ, ગુ, ઘુ, ચુ, છુ, જુ, ઝુ, ટુ, ઠુ, ડુ। તો આપણે આને શું વાંચવાના છીએ? શું વાંચીશું આપણે આને? કૂ, અને ઉકાર છે લગાવેલું, જો અહીંયા છે ને, એટલે આપણે આને શું વાંચન કરવાનું છે? કૂ, ખુ, ગુ, ઘુ, ચુ, છુ, ઝુ, ઝુ, ટુ, ઠુ, ડુ। અને આપણે ઘૂંટીને લખવાનું છે। હં, તો ચલો આપણે આને ઘૂંટીશું। આ જો, ये जो पेंसिल से बिंदु बने हैं इसको हम घूटेंगे, है ना? तो चलो घूटो इसे, इस तरीके से इसको घूटते जाना है और पढ़ते जाना है ना। तो हम इसे क्या कहेंगे? कू, खु, गु, घु, चु, छु, झु, झु, टू, ठू, डू। अभी देखो नीचे, नीचे की लाइन जो ये है आपको लिखकर कंप्लीट करनी है। ये दोनों लाइन आपको पेंसिल से लिखना है। ये जो आप बिंदु बने हैं इसके ऊपर घूटकर आपको इसे भी पूर्ण करना है। और नीचे दो लाइन जो छूटी हैं उसमें आपको पेंसिल से लिखकर पूर्ण करना है। पढ़ते जाना है और लिखते जाना है, ठीक है? तो चलो आगे कौन सा अक्षर लिखा है गुजराती का? ढ लिखा है। क्या लिखा है? ढ। तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? ढू। क्या पढ़ेंगे? ढू, अणु, तू, थू, दू, धू, नू, पू, फू, बू, भू, ठीक है? तो चलो एक बार फिर से हम यहाँ से पढ़ेंगे। इसे क्या कहेंगे? कू। जितना अच्छे से पढ़ेंगे उतना जल्दी आपको याद हो जाएगा। आप केवल लिख लिख के रखेंगे तो आपको याद हो नहीं पाएगा। अगर याद ही नहीं होगा तो आप शब्द कैसे पढ़ोगे? इसलिए इसको अच्छे से लिखना है और अच्छे से पढ़ना है, पढ़ पढ़ कर लिखना है। तो चलो हम फिर से पढ़ेंगे। कू, खु, गु, घु, चु, छु, झु, झु, टू, ठू, डू। ढू, अणु, तू, थू, दू, धू, नू, पू, फू, बू, भू। म लिखा है तो क्या पढ़ेंगे? मू। म लिखा है तो क्या पढ़ना है इसे? मू, ठीक है? तो चलो पढ़ो। मू, यू, रू, लू, ऊ, शू, शू, सु, हु, उड़ू, ठीक है? अभी इसे हमें क्या करना है? ये जो बिंदु बने हैं इसको घूट कर पूर्ण करना है। इसके नीचे जो दो दो लाइन दी है इसको हमें लिख कर कंप्लीट करना है, ठीक है? मैंने पेन से लिख के रखी है, आपको पढ़ पढ़ के लिखना है। अभी देखो यहाँ पर बॉक्स पूर्ण करना है, ठीक है? तो इसके पहले भी हमने बॉक्स पूरे किए हैं ना, तो उसी तरीके से इसे भी हमें शब्दों को पढ़कर बॉक्स पूरे करना है, ठीक है? तो देखो यहाँ पर गुजराती शब्द है, ठीक है? गुजराती शब्द है, ये जो दिख रहा है ना आपको, आ शू देखाय छे तमने? जुआर। आ शू छे? जुआर छे। तो आपणे अहीं शू लखवानुं छे? जुआर। जुआर ना रोटला बने छे ने, ई जुआर, ठीक छे? तो हिंदी में वो बाजरे की और ज्वार की रोटी बनती है ना, तो वो वाला जुआर है, ठीक है? तो जवार, और नीचे जादूगर का चित्र दिया है, तो हम इसे क्या लिखेंगे? जादूगर। जादूगर आपणे बॉक्स पूर्ण करवाना छे, तो ऊपर से आपणे શું લખવાનું છે? અહીંયા જુવાર દેખાય છે એટલે આપણે શું લખશું? અહીંયા જુવાર, અને નીચે જાદુગરનું ચિત્ર આપેલું છે એટલે આપણે અહીંયા શું લખશું? જાદુગર। એટલે આપણે આડા અવળા બે બોક્સ આપણે પૂરા કરવાના છે, ઠીક છે? હવે જુઓ આગળ, આગે દેખો, અભી દો શબ્દ દીએ કે સુથાર ઓર ખુરશી, ઠીક હે? સુથાર, સુથાર,
खुरशी, सुथार अने खुर्शी। तो सुथार नो चित्र क्या जोवा मळे छे आपणने? अहींया। तो आपणे अहींया शुं लखशुं? सुथार। अने खुर्शी नुं चित्र आपणे क्या जोवा मळे छे? नीचे। एटले आपणे अहींया शुं लखीशुं? खुर्शी। जहां जो चित्र दिया गया है उसके हिसाब से हमें ये बॉक्स पूर्ण करना है। तो देखो यहां से हम क्या लिखेंगे? सुथार। और नीचे खुर्शी का, चेयर का चित्र दिया है, इसलिए हम वहाँ पे खुरशी गुजराती में हमें लिखना है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर क्या लिखना है? कुहाड़ी। ये कुहाड़ी का चित्र है, तो कुहाड़ी। और यहाँ पे क्या है? लुहार। लुहार का चित्र है, इसलिए लुहार और कुहाड़ी। देखो अभी यहाँ पे, अभी देखो यहाँ पे जरदालू। यहाँ पे जरदालू का चित्र बताया गया है, इसलिए जरदालू। और गुवार। गुवार जो गवार फली आती है ना, तो उसे गवार कहते हैं हिंदी में, इसमें गुवार कहते हैं, इसलिए गुवार। ठीक है, अबे जो झाड़ू अने लाडू। ठीक है, तो लाडू आप हिंदी में क्या कहते हो? लड्डू। गुजराती में क्या कहा जाता है? लाडू अने झाड़ू। ठीक है, तो झाड़ू नु चित्र जे आपेलू छे, यहाँ थी आपणे झाड़ू लखवानु छे अने अहींथी आपणे शुं लखीशुं? लाडू। ठीक है, हवे जो चित्र जोई शब्द बनावो, चित्र ने जोई शब्द बनावो। तो जो चित्र शेनू आपेलू छे? वरु। तो आपणे अहीं शुं लखीशुं? वरु लखवाना। ठीक है, बे बॉक्स लखेला छे, चित्र जोईने आपणे बॉक्समां शब्द लखवाना छे। तो शेनू चित्र छे? वरु। पछी गुफा। पछी शेनू चित्र छे? चीकू, एटले चीकू लखीशुं। पछी शेनू चित्र छे? मुगट। मुगटनुं चित्र छे, एटले आपणे अहीं मुगट लखीशुं। पछी शेनू चित्र छे? घुवड। पछी शेनू चित्र छे? घुवड, एटले आपणे घुवड़नुं चित्र यहाँ पे चित्र दीधेलू छे, एटले आपणे घुवड़ लखीशुं। चलो, तो हिंदी में देखो यहाँ पर वरु का चित्र है, तो वरु। गुफा का चित्र है, तो गुफा। चीकू, चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में दिखाई दे रहा है चीकू, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? चीकू। फिर मुगट और फिर घुवड़। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? साबू, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? साबू। फिर धनुष, धनुष। गुलाब, टुवाल अने बुलबुल। ठीक है, तो आपणे शुं करवानुं छे? चित्रने जोईने अहीं शब्द बनावाना छे अने वाचन करवानुं छे। तो आपणे एकवार ફરીથી આને વાંચીશું, ફરીથી આપણે એને વાંચીશું। ચલો હાલો વાંચો। કુ, અને શું કહેવાનું છે તમને? કુ કહેવાનું છે। કુ આપણે શેની માત્રા શીખવાની છે? જે ઉ ની। તો આપણે શું વાંચીશું અહીંયા? કુ। ક્યાં પડના હમે ઇસે? કુ, ખુ, ગુ, ઘુ, ચુ, છુ, જુ, ઝુ, टू, ठू, डू। ढू, अणु, तू, थू, दू, धू, नू। ऊ, फू, बू, भू। मू, यू, रू, लू, ऊ। शू, शू, सू, हू, ळू। ओके, तो આપણે અહીંયા શું વાંચેલું છે? આજે કૂથિકનું વાંચેલું છે અને બોક્સ પૂરતી કરેલી છે, અને તમને આ કૂથિકું લખીને પૂર્ણ કરવાનું છે, વાંચન કરવાનું છે અને આ બોક્સના શબ્દ જોવાના છે। ઓકે, તો આજે આપણે આટલું જ શીખવાનું છીએ। ઓકે, બાય।